हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुंज विथ यश के। तो 15 अगस्त जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, ये हमारे जो है 75वीं स्वतंत्रता दिवस थी। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको आज मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये जो थी, ये थी 75वीं वर्षगांठ। और इसमें नंबरिंग भी पूछ लिया जाता है कि किस नंबर का स्वतंत्रता दिवस था, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो भारत का ध्वजारोहण करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। तो ये जो होते हैं 3 ही होते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय अवकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन है। तो वो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये जो सारे हैं वो हैं हमारे राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये तैयार किए थे पिंगली वेंकैया, जिनकी जयंती जो है 2 अगस्त को मनाई जाती है। तो इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो ये जो होता है, ये होता है 3:2 के अनुपात में। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और मैं जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आती हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे आप लोग क्या है मेरे सारे इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था। तो ये जो अस्तित्व में आया था, ये आया था 22 जुलाई 1947 को जो है चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो भारत के अलावा जो है 5 देश हैं जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। एक हो जाता है रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेकेंड है उत्तरी कोरिया, थर्ड दक्षिण कोरिया और फोर्थ बहरीन और फिफ्थ लिंकेस्टेंस्टीन। ये जो पाँचों हैं जो कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी। तो यहाँ पे भारत के विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है राष्ट्रीय, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो जो राष्ट्रीय गान था वो 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। नेक्स्ट यहाँ पे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। गाया कब गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, और राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यह कथन किसका है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये जो कथन था वो था जवाहरलाल नेहरू का। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2021 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने
मतलब किस किस बार मतलब इन्होंने कितने बार झंडा फहरा लिया है, कितनी बार वाली खाली स्थान बार झंडा फहराया है। तो यहाँ पे 15 अगस्त 2021 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 8वीं बार झंडा फहराया है, मतलब ये 7 बार पहले फहरा चुके हैं और ये इनका जो था 8वां क्रम था, 8वीं बार इन्होंने झंडा फहराया है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। ये मैं जितनी भी क्वेश्चन करवा रही हूँ परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे अब हम लोग इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 अगस्त 2021 को अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये जो सम्मानित किया गया था श्री बाबू राम को किया गया था। ये जो है जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस असिस्टेंट के सब इंस्पेक्टर थे और इनको मरणोपरांत श्री बाबू राम को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे 15 अगस्त 2021 को कृति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो है कृति चक्र से सम्मानित किया गया है, एक सम्मानित किया गया है श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट को और ये जो है ये जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट, ये जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टेबल थे और इनको भी मरणोपरांत श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट को भी मरणोपरांत कृति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर अशोक चक्र से श्री बाबू राम को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है और कृति चक्र से श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट को सम्मानित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 अगस्त 2021 को शौर्य चक्र से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये जो सम्मानित किया गया है 6 लोगों को किया गया है। तो चलिए अब हम लोग उनका नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है मेजर अरुण कुमार पांडे, सेकेंड मेजर रवि कुमार चौधरी, थर्ड कैप्टन आशुतोष कुमार जिनको कि मरणोपरांत मिला है, नेक्स्ट है फोर्थ कैप्टन विकास खत्री और फिफ्थ है राइफल मैन मुकेश कुमार और सिक्स सिपाही नीरज अहलावत, सिपाही नीरज अहलावत। तो इन 6 लोगों को जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है जिसमें एक को मरणोपरांत दिया गया है कैप्टन आशुतोष कुमार को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीरता के लिए पुलिस पदक में सबसे अधिक किसे प्राप्त हुआ है। वीरता के लिए जो पुलिस पदक है वो सबसे अधिक किसे प्राप्त हुआ है। तो ये जो हुआ है जम्मू कश्मीर के पुलिस को प्राप्त हुआ है और ये टोटल 257 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईटीबीपी के कितने जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है। तो ये 23 लोगों को प्रदान किया गया है। तो आईटीबीपी के 23 जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जब झंडा फहराए तो कुछ घोषणाएं भी की। तो इसमें जो है उन्होंने एक घोषणा ये भी किया कि 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पे 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 15 अगस्त 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किस नए मिशन की शुरुआत की है। तो ये जो है मिशन है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 15 अगस्त 2021 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार सृजन करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो ये जो योजना की शुरुआत की है वो की है पीएम गति शक्ति योजना जो कि उन्होंने लाल किले पे झंडा फहराते वक्त किया था। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे।